चलिए ये किस्सा भी तमाम हुआ। ये कैसे लिख सकता आदमी, ये जुमला ध्यान में आएगा कैसे? ये जब बेध्यान ही हो तब आएगा। पीछे थैंक यू सर। And from then on, longer time, so that you sit, you will be speaking more. प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल मैडम, ऑल द डिग्निटरीज, खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आपने इस जलसे में मुझे बुलाया। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। खालसा कॉलेज इतना क्रेडिबल और रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा सागर सरदी साहब, सागर सरदी साहब से और खासा कॉलेज से मेरा एक अजीब रिश्ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली फिल्म में स्क्रीन प्ले लिखा था, उसके डायलॉग राइटर खालसा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, गुलदार साहब। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली पिक्चर में गाने लिखे हैं, उसके स्क्रिप्ट राइटर खालसा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, सागर सरदी। तो दूर का ही सही मेरा रिश्ता जरूर कुछ है खालसा कॉलेज से। सागर साहब से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो ना मैं राइटर था, ना मैं पोएट था, ना मैं लिरिसिस्ट था। मैं शायद 22 साल की उम्र थी मेरी, और असिस्टेंट आके लगा था। 2 साल हो गए थे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी, 65 में आया था, ये बात 67-68 की। एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे सचदेव साहब, ज्ञान सचदेव साहब, वो अच्छा सचदेव जो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, उनके एक्स हस्बैंड थे। हस्बैंड कब थे ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे आने से पहले की बात है। मैं जब आया बम्बई में तो वो एक्स हस्बैंड थे। तो वो हमारे बहुत उमदा बड़े मेहरबान आदमी थे। तो उनके हम लोग कुछ कॉमन फ्रेंड से हम जाया करते थे, और वहाँ सागर साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी, ज्ञान सचदेव साहब की। तो वहाँ सैटरडेज को संडेज को उनसे मुलाकात होती, और बहुत बार सागर साहब से हमने उनके अफसाने जो पढ़ के सुनाते थे, हम लोग सब बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सुनते थे, वो हमने सुने। मैं तो मालूम नहीं था कि आगे इस तरह का भी कोई रिश्ता बनेगा कि वो स्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं गाने लिखूँगा। मैं तो उसको शायरी भी नहीं करता। ये सागर साहब का जो थिएटर में नाम है, जो उनके प्लेज हैं, उसके बारे में मैं समझता हूँ शायद आप में से अक्सर मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। मुझे भी एक दुख हुआ आज में है, जब आ रहा था तो मैंने कहा भाई कोई बात मिस हो गई होगी, चलो देखते हैं। तो मैंने गूगल भी किया सागर साहब के लिए, और ये विकिपीडिया, उनकी सारी फिल्मों की डिटेल्स है, लेकिन उनके प्लेज उनके अफसानों का जिक्र नहीं है। ये दुनिया ऐसी है, वो जो चमक दमक जहाँ होती है वहाँ देखती है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और उसको आप देखें कि उसमें डाला जाए। उन्होंने प्लेस लिखे, इंतहाई कामयाब हुए। उन्होंने फिल्में लिखी, इंतहाई कामयाब हुई। फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़े रिस्पेक्टेड राइटर में से थे, बड़े कामयाब फिल्में लिखी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ। सागर साहब जैसे लोग इतने कामयाब नहीं होते जितने सागर साहब हुए। एक आदमी
जो अपने अच्छे से अच्छे वक्त में इतना उसका नाम हो, शोहरत हो, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल वही उसके तबाह गरीब लिखने वाले दोस्त हों, उसे कोई दिलचस्पी ना हो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, वो अपना काम करे, घर चला जाए, किसी से मिले मिलाए नहीं, मिले तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, मेरे काम करे तो अपनी शर्तों पे। तो इस तरह के बदिमान लोग जो हैं भाई, और भाई एक बीमारी होती है ना खुददारी, तो वो उनको बहुत शदीद थी। तो ऐसे लोग जो हैं वो पता नहीं कितना टैलेंट हो तब कामयाब होते हैं, के बावजूद इसके कि इस आदमी में शराफत भी है, इस आदमी में लॉयल्टी भी है, इस आदमी में खुददारी भी है, उसके बाद भी अगर ये कामयाब हो रहा है तो इसके मतलब है कि इसके टैलेंट पर बेपनाह ताकत थी कि लोग ये कसूर माफ कर रहे हैं। ये एक पूरी खेप थी। मैं जब आया था तो ये प्रोग्रेसिव राइटर थी, उसमें तो मुकाबलतन ये छोटे बच्चे थे, इनसे सीनियर भी मौजूद थे, मतलब यकीन नहीं आता था कि एक शहर में एक साथ इतने लोग हैं, कृष्ण चंद्र, राजन सिंह बेदी, इसमत चुगताई, साहिर लुधियानवी, सरदार जाफरी, फिर इनसे यंगर जानिसार अख्तर, उसके बाद जो यंगर जनरेशन थी उसमें जो चमके हैं दो लोग, एक सागर साहब और एक गुलजार साहब। ये लोग हर एक का लिखने का अंदाज अलग रहा होगा, हर एक ये अप्रोच अलग होगी, लेकिन एक चीज इनकी कॉमन थी और वही इन्हें मुमताज करती है, वही इन्हें प्रोमिनेंस देती है और वही हमारे दिलों में उनके लिए जगाती है, वो है इंसान दोस्ती। सागर साहब ने जो लिखा थिएटर के लिए या फिल्म के लिए, उसके लिए कॉम्पिटेंट राइटर होना तो जरूरी है, लेकिन अच्छा इंसान भी होना जरूरी, इसलिए कि जो उनके कैरेक्टर में जो सेंसिटिविटी, जो ह्यूमैनिटी, जो विकार, जो डिग्निटी, स्वाभिमान आया, वो कहाँ से, आसमान से थोड़ी उतरता है, निकलता है। राइटर जब लिखता है तो लिख तो वही सकता है उसके अंदर। और एक स्टेज होती है, मुझे कभी कभी लगता है कि क्रिएटिविटी जो है, एक आपका कॉन्शियस माइंड है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें पता नहीं क्या क्या चला गया, आपको खुद ही नहीं मालूम, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कभी कभी आप पे मेहरबान हो जाता है, कुछ दे देता है और आप हैरान हो जाते हैं कि कहाँ से आ गया। जैसे मुल्कों के बीच में नो मैन्स लैंड होता है, वैसे ही कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में भी नो मैन, और असली शायरी और असली प्रोज राइटिंग, क्रिएटिविटी, अच्छी धुन, अच्छे बोल, अच्छी तस्वीर, पेंटिंग, वो सब उस नो मैन लैंड पे बनते हैं, जहां कुछ सबकॉन्शियस है और कुछ सबकॉन्शियस बता रहा है क्या करो। नूरी तो असल में हमारे दोस्त रमेश तलवार साहब की फिल्म थी, तो उसमें जो डायलॉग है जो हीरो उस पिक्चर का है, फारूक शेख ने रोल अदा किया था, वो मर रहा है, लड़की मर चुकी है, और एक डायलॉग है, चलिए ये किस्सा भी तमाम हुआ। ये कैसे लिख सकता आदमी, ये जुमला ध्यान में आएगा कैसे, ये जब बेध्यान ही हो तब आएगा, ये ध्यान से नहीं आ सकता। तो सागर साहब की मिसालें देता रहूँगा, लेकिन कितनी बार आप लोग तो वाकिफ हैं, उनके यहाँ जो एक काम चल रहा है परफेक्ट क्राफ्ट, क्राफ्ट अजीब बात है, एक तरफ इमेजिनेशन है आपका, फैंटेसी है, इमोशन है, फीलिंग्स है, उसी दिमाग में दूसरी तरफ क्राफ्ट है, जो क्राफ्ट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेटेड, साइंटिफिक, सर्जिकल, और ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है, जो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन ये राइटर के दिमाग में दो चीजें साथ चलती हैं। सागर सरहदी थिएटर के लिए लिखना बहुत मुश्किल काम है जनाब, फिल्म के लिए फिर भी आसान है, एक फिक्स फ्रेम है, 25 मजबूरियां हैं आपकी, वहां तो आप जो चाहिए सब दिखा दीजिए, जहां चाहिए कट कर लीजिए, यहां यही है, अब इसमें बताओ दुनिया की सारी कहानी सुना दो, इसमें मुश्किल काम है, कैरेक्टर्स के पास मूवमेंट की इतनी जगह है, लोकेशन नहीं है,
आप जाके अपना प्ले स्विट्जरलैंड नहीं ले जा सकते हैं।